फरुखाबाद में दोस्त के भाई की बारात शामिल होने के लिए निकले युवक की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। मामला थाना क्षेत्र के ग्राम पहाड़पुर बैरागर गांव का है, जहां युवक का शव गांव से 1 किलोमीटर दूर सड़क किनारे मिला। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर लोगों की भारी भीड़ लग गई। बताया जा रहा है कि मृतक युवक गुरुवार को गांव पलिया निवासी अपने दोस्त के भाई की बारात में जाने की बात कहकर घर से बाइक से निकला था। शनिवार दोपहर को पुलिस को सूचना मिली कि गांव चीटन नगला से फरीदपुर मार्ग पर एक युवक का शव लहूलुहान हालत में पड़ा है, जिसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटना स्थल का जायजा लिया। पुलिस ने बताया कि पूरे मामले की गहनता से जांच की जा रही है, जिसके आधार पर कार्रवाई होगी। सर, घटना के बारे में थोड़ी जानकारी दे दीजिएगा। ये जो थाना शमशाबाद है, इसके अंतर्गत आज 12:30 बजे करीब एक सूचना प्राप्त हुई थी कि जो यहाँ पर नगला चीटल है, नगला चीटल रोड पर एक व्यक्ति की बॉडी पड़ी हुई है, साथ साथ वहाँ मोटरसाइकिल भी पड़ी हुई है और बगल में तमंचा पड़ा हुआ है। तुरंत मौके पर आकर देखा गया तो जो व्यक्ति था जिसके गोली लगी है सीने में, उसकी पहचान आदित्य सनो परमसुख जो कि 21 वर्ष का है और पहाड़पुर बैरागर का रहने वाला है। ये परसों एक बारात में गया हुआ था, तब से अपने घर पर नहीं आया था और मौके पर ही इसकी मोटरसाइकिल थी, साथ ही साथ वहाँ पर मौके पर ही तमंचा भी मिला है और इसके संबंध में डेड बॉडी है, उसको पीएम के लिए भेज दिया गया है। साथ ही साथ जो इनके घर वालों से भी तहरीर दी जाएगी, उसके आधार पर मुकदमा दर्ज कर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इसके अंदर 3 टीमें गठित की गई है और जल्द ही घटना का निवारण किया जाएगा। फिलहाल पुलिस ने जांच पड़ताल के बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई।